अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल गोश। हमने दाल भिगो कर रखी है, ये तुअर और मसूर की दालें, इसको धोकर भिगो कर रखी है। अब इसको हम चढ़ा देते हैं। दाल डाल के इसमें ला रहे हैं। इसमें डाल देते हैं पानी। गैस का ढक्कन बंद कर देते हैं और 3 सीटी ले लेते हैं डाल देते हैं। ये हमारी 2 सीटी हो चुकी है, इसको भी हम बंद कर देते हैं। अभी हम बगाने का सामान रेडी करते हैं। बिस्मिल्लाह, डाल देते हैं 2 चम्मच इतना तेल। हमारा तेल गर्म होता है, देते हैं टमाटर। हमने 3 टमाटर लिए थे, इसको गलने के लिए हम रख देते हैं। हमारे टमाटर थोड़े लाल हो गए, इसमें हम डाल देते हैं कड़ी पत्ता। तेज पत्ता, कस्तूरी मेथी, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 लाल मिर्ची पाउडर के हिसाब से डालें। हल्दी 1 छोटा चम्मच, गरम मसाला पाउडर, नमक, अब हम चिकन का दाल गोश बना दें। देखिए हमारा मसाला भून लिए, इसमें हम डाल देते हैं चिकन। हमारा 1/2 किलो का चिकन है, हमने धोकर अच्छे से रख दिया था। ये थोड़ा गल जाता है, इसे रख देते इसको। इसे हम डाल देते हैं दूधी। ढक कर रख देते हैं। पांच मिनट इसको ढक कर रख देंगे, चेक कर लेते हैं।
डाल देते हैं अभी। मेरे दाल ये हो चुकी है, देखते हैं। हमारी दाल हो चुकी है, इसको भी हम डाल लेते हैं मसाले में। इसमें हम डाल देते हैं पानी। अब इसको हम ढक कर रख देते हैं दूधी और चिकन गलने तक। तो हम ढक कर रख देते हैं 10 मिनट तक। गल लेते हैं, हमारी दाल दूधी और चिकन गल गया है क्या। हमारी दूधी गल चुकी है, इसमें हम डाल देंगे बरिस्ता। कोथमीर बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है, आप अपने घर पे जरूर ट्राई करें। चिकन का दाल गोश। अब इसको हम सर्व करते हैं। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।